कहते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन इन हर केस झूठ बोलने से सारे रास्ते साफ है. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द शो गुड बैड गर्ल. और मैं समृद्धि से सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, समृद्धि मैंने सही बोला? बिल्कुल. या सब हो जाता है, बस झूठ बोलना होता है, बाकी सब सॉर्ट हो जाता है. ओके, तो मतलब सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है आज तक, ये बताओ पहला. मैंने क्या बोला है? मैं तो बहुत ही बैड लायर हूँ एक्चुअली. या यस, अनफॉर्चुनेटली आई विश ये टैलेंट होता मुझ में, बट नहीं है. नहीं है, क्या झूठ बोला है इसने? Now is that a lie? Decode that. झूठ बोला है इसने. Good. Asking you this thing, आपने कभी अपनी लाइफ में, मतलब कभी क्या, मतलब लाइफ में अपनी कभी आपने बहुत बड़ा कोई झूठ बोला है और आप रिवील करना चाहेंगी वो? मैं रिवील तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. बहुत बोला है पर उसकी एक प्री क्वालिफिकेशन है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है अभी तक. तो है तो मेरी नहीं है, तो मैं ना याद रखती हूँ कि मैंने किसको क्या बोला हुआ है. और जब मैं भूल जाती हूँ फिर बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि मैंने किसी को कहा था एक बार, एक मतलब हमारी इंडस्ट्री की है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. क्या नाम? तो उन्होंने कहा यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी. आई सेड आई एम सो सॉरी, आई वाज़न्ट वेयरिंग माय ग्लासेस. एंड नाउ शी बी आस्किंग मी यू गॉट लैसिक बिकॉज यू कैन सी मी नाउ. सो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब उस वक्त जस्ट टू एस्केप द एम्बैरेसमेंट ऑफ नॉट रिकॉग्नाइजिंग समबडी, मैंने कह दिया कि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था. और अब वो उनकी मेमोरी मुझसे भी अच्छी है. हर बार पूछते हैं अभी आईज ठीक है ना, तो 20 साल से मुझे वो जानती हैं, अभी तक रीडिंग क्लासेस नहीं लगी तुम्हारी, ये नहीं हुआ? मैंने कहा वो एक्चुअली लैसिक सर्जरी करवाई थी ना, उससे सब सही हो गया. वाओ, क्या झूठ बोला है. ओके गाइस, आगे बात करेंगे, उससे पहले वेलकम टू बिग एफएम, जो मैं पहले बोलना भूल गई थी. थैंक यू. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग टू यू वैभव. तो मतलब इसमें जो जितना ट्रेलर हम देख रहे हैं उसमें वैभव बहुत कम बात कर रहा है, लाइक योर कैरेक्टर नेम साहिल. सो जस्ट टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर. और इतना ही शांत है या फिर शो में हम बोलते हुए देखने वाले हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार ये, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के, क्योंकि ये जब मैंने पढ़ा था तो आई एम लाइक वाह यार, काफ़ी लेयरिंग है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी वल्नरेबल सा है, काफ़ी इससे काफ़ी खफा सा रहता है और प्रूफ करना चाहता है. एंड आई कैन रिलेट टू हिम बिकॉज देर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई वांटेड टू प्रूव टू माय फैमिली कि मेरे में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, जब वो लोग डाउट कर रहे थे. तो साहिल भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनके लिए काफ़ी चीज़ें कर रहा है और काफ़ी वल्नरेबल, काफ़ी थोड़ा बैड एज भी. एंड टॉकिंग अबाउट इनके लिए, सो अगर मैं गुल की बात करूँ तो गाइज यू टू आर न्यू कमर्स, बट इफ़ आई टॉक अबाउट गुल, शी इज़ अ फैब एक्टर, वी ऑल नो दैट. सो मतलब क्या ऐसे जब फर्स्ट डे शूट हुई या फिर पहले जब मिले तुम लोग, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गाइज मेट हर? डायन, मैं एक, मेरे साथ दो चीज़ें हो रही थी, एक तो मैं फैन और ऊपर से मतलब मैं फॉलो वॉलो भी करता था, तो मुझे पता है पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग और ये, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि यार कैसे. बट एक बार मिले, फिर बार बार हम मिलते रहे, वर्कशॉप पे मिले, फिर हमने शूटिंग शुरू की, देन आई थिंक बहुत मजा आया यार. काफी हमने शेयर की, काफी कॉफीज हमने शेयर की. ये तो पीती नहीं है, आज पी रही है. नहीं, चाय पी रही है. देखिए इनका बॉडी टेंपल है, कभी ऐसा लगा नहीं मतलब. अगर खाना सही टाइम पे मिल गया ब्रो, मतलब गुल के साथ ऐसा ही कि यार आप अच्छे रहोगे तो बहुत स्वीट है, आप थोड़ा सा भी ले तो आप गए. ओके, बट यहाँ आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही क्यूट सा इंसिडेंस हुआ जो रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी गुल को. गुल, आप जिस तरह से समृद्धि को बता रही थी, शी इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, एंड गुल बता रही थी कि यहाँ मुंबई में ऑटो वालास को कैसे रोकते हैं. तो नॉट जस्ट ऑटो वालास, किसी को भी, किसी को कर रहे हैं एक्चुअली. तो जब मैं दिल्ली से पहले यहाँ आई थी, क्योंकि समृद्धि दिल्ली से है और उसके साथ वो रिलेट कर पाएगी, every Delhi girl is used to defending herself, you know, in buses, in public places, wherever. You walk like this and go to ek na thoda sa aggressive posture hota hai, aggressive personality hoti hai Delhi wali ladkiyon ki, aur honi bhi chahiye. To jab main pehle Bombay aayi thi, kisi ne aise kaha, mera to krantikari khoon kholne lag gaya. Maine kaha kisne bola, kahan hai tu,
He wasn't even calling me. He was calling a rickshaw. So okay. Or you know, telling somebody whatever. So ये एक तरीका है जहाँ से हम you know एक दूसरे को मुंबई में मतलब मैं नहीं इसे यूज़ करती हूँ. करेक्ट. पर मैं इनके मनोरंजन के लिए इनको ये कहानी बता रही थी. Samriddhi, have you ever experienced? No, not being able to do it. No, lips have to join. ये भी चलता है, ये भी चलता है. कितने लोग आ गए यार. Samriddhi, कितने time से you are here in Mumbai and what all things you have experienced being a newcomer? Actually, मैं मुंबई में काफी time से हूँ. Okay. But strangely, ये मैंने experience नहीं किया. Okay. Talking about the show Good Bad Girl, जब ये show आप लोगों को offer हुआ था, तो मतलब what was your reaction? Gul, we will start with you talking about your character. Age before youth. Okay then. So you know, I play Zaina, जो एक वकील है, जो एक जो इनकी जो law firm है, साहिल और Zaina के father ने जो स्थापित की थी, उसकी managing partner है. और मैंने इस project को इस script पढ़े बिना हाँ कर दिया था. उसके तीन कारण हैं. पहला कारण कि मैंने तभी वकालत की पढ़ाई ख़त्म की थी. wow. जब सितंबर में हमने ये शो पे बातचीत करनी शुरू की, एंड अगस्त अर्ली सितंबर में, और जून में एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हुए थे. तो मतलब यू नो, मैंने हाल ही में 3 साल पढ़कर वकालत के LLB डिग्री अर्न की थी, तो थोड़ा सा एक जोश चढ़ा हुआ था. और कोइंसिडेंटली पहला पार्ट जो मुझे ऑफ़र किया गया वो वकील का था. मैं तो कर रही हूँ, उसके बाद पढ़ लो. नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ. विकास बहल और चैताली इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो जब हमारी पहली मीटिंग हुई, तब मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे लगा कि माया जैसा किरदार आज तक लिखा ही नहीं गया है. और मेरा पहला सवाल था कौन प्ले कर रहा है, तो उन्हें पता एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की समृद्धि है, वो इसे प्ले कर रही है. एंड आई मेट हर, एंड एवरी टाइम आई हैड द प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग screen with her, she has blown my mind. Wow. So over to Maya. Samriddhi, I think on that note, like Gul ke saath tumhe coffee ke liye haan bolni chahiye. To inka body to temple hai. Wo to agar main pee lungi, then I'll be in the toilet for 2 hours. And no more interviews. Vaibhav, talking about your character, like Gul ne to already real life mein padhai kar rakhi thi, वकालत एंड सारी चीज़ें. सो व्हाट अबाउट यू, तुमने मतलब क्या किया इस कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए? मैंने कोई वकालत छोड़ के एनी वर्कशॉप और एनी मेरी मेन मेरा वर्कशॉप चल रहा था इंग्लिश पे, क्योंकि okay. मेरी इंग्लिश का इशू हो रहा था. okay. तो मैं जब ऑडिशन दिया, जब मुझे पता चला कि अच्छा साहिल करके, तो मैंने सबसे पहले अभिषेक से मैं मिला था. ऑफिस में विकास सर भी थे, अभिषेक लोग भी थे, तो सबसे पहले मैं गया उनके पास. बहुत फ़नी हुए, तो मैं गया, मैंने बोला सर मैंने पढ़ लिया स्क्रिप्ट तो बहुत ही सही है, मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एक ही प्रॉब्लम है. और आई थिंक कोई एक्टर जाके बोलेगा नहीं. तो मैंने बोला सर मेरी ना थोड़ी इंग्लिश का प्रॉब्लम है. कैसे हुआ? अरे क्या बात करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू कर. देन हमारी रीडिंग वीडिंग शुरू हुई, तो उनको लगा कि हाँ जेन्युइनली थोड़ा सा है. देन ही गेव मी दिस टीचर जानवी मैम. देन वर्कशॉप हुई, बहुत सारी, बहुत लंबा वो चला. एंड फिर हम मिले, बातें शातें हुई. देख लो और माया, इन लोग शो में इतना झूठ, ये इतना जेन्युइन बंदा जाकर पहले तू लेकर आए थे कैरेक्टर. डू रिमेंबर यू गॉट लाइक दिस होल फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट फिजिकल मीटिंग जूम से जब हम लोग स्विच किए थे, तो डायरेक्टर अभिषेक आस्क्ड कि सो व्हाट डू यू, आई मीन हाउ डू यू सी साहिल्स कैरेक्टर, टू कोड डायरी द फुल पेज, आई से इतना होमवर्क नहीं करना पड़ता है यार. मतलब मैं काफी डरा हुआ था. अमेजिंग. एंड टॉकिंग अबाउट, तुमने कितनी बार झूठ बोला लाइफ में? झूठ यार, आजकल डेट्स को लेके काफी झूठ बोल रहा हूँ. कौन से वाली डेट? मैं कितना इन डिमांड हूँ, देखो देखो देखो. नहीं बट कौन से वाले डेट्स? डेट्स. गुड वन, नाइस वे टू स्पिन. दोनों डेट्स को लेके. ओके, बहुत झूठ बोलता हूँ. आई एम टेकन, आई एम बुक्ड, आई एम फ्री, आई एम टेकन, आई एम बुक्ड, यही चल रहा है. ओके, आई एम आस्किंग ऑल थ्री ऑफ यू दिस क्वेश्चन. One good quality and one bad quality about you all, like personally what you feel. One good quality. Yeah. I'll start with the bad. No, there's many. You are talking about her or him? Oh, अच्छा ऐसा करना है क्या? इसके बारे में बोलना. अरे जितना शौक है उतने में. This is like putting the cat among the pigeons. Oh, तेरी. Okay. I think I'll start with the bad. No, I think
वेरी वेरी जेनरस पर्सन बिकॉज इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा बताया अबाउट दी इंडस्ट्री एंड अबाउट वर्क जो मुझे नहीं पता था फॉर श्योर. एंड ऐसे कोई बताता भी नहीं है. नोबडी विल गो आउट ऑफ द वे टू लाइक हेल्प यू एंड विच इज़ जेनरोसिटी फॉर श्योर. एंड बैड बैड आई मीन इफ आई हैड टू से कि ऐसे दिस इज़ व्हाट इट शुड बी टाइप ऑफ थिंग विच इज़न्ट इवन बैड एक्चुअली. It's a strong opinion. Having an strong opinion. Yeah. That is okay. Yeah. Okay. For Gul, कुछ कहना चाह रही हैं आप सोच रहे हो? It's very true. I'm very, yeah? I have very strong opinions. और मतलब ठीक है भाई बोलना जो आपको जो जिस चीज़ में आपका विश्वास है उसके बारे में तो आपको बोलना चाहिए. माया के किरदार को उन्होंने इस तरीके से प्ले किया है कि जो जिस तरीके से लिखा हुआ था मैं उसको पढ़ के ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. लाइक इट्स रियली बीन आई ओपनिंग फॉर मी. And I'll now I'll go on sort of on Vaibhav. I really can't think of any good things. No bad things. Except okay, I do. So good things. Good things are obviously you know very good actor, very very hardworking, and an immense sense of self awareness, not self affectedness. Ki me. बट लाइक जैसे कितनी ह्यूमिलिटी से बात करते हैं कि भाई मुझे अंग्रेजी पे मुझे मौका चाहिए था अब उसे पॉलिश करने का. एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग. आई मीन आज यहाँ तो लोग मतलब हम लोग हिंदी भाषा में एक्ट करते हैं पर आगे पीछे बात इंग्लिश में ही होती है. एज इफ दैट्स योर प्राइमरी लैंग्वेज एफ दैट्स योर लैंग्वेज विच यू वर्क यू डोंट. वो तो हमारे ऊपर एक एक हमारी कलोनियल पावर छोड़ गई है एक हैंगओवर जिससे हम सब फंसे हुए हैं. पर मेरे हिसाब से हम अगर हिंदी भाषा में हमारा काम है तो हमारी हिंदी भाषा में ही प्रतिष्ठा की बात होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग दैट यू नो ही इज़ एम्ब्रेसिंग दैट. इफ आई हैड टू से समथिंग लाइक नॉट नाइस ये कभी भी रील बनाते रहते हैं. ही मेक स्टोरीज ऑल द टाइम एंड सडनली आई सी व्हेन डिड आई डू दिस एंड नाउ यू नो. सो जब आफ्टर द फिफ्थ सिक्स्थ डे आई वॉज ऑलवेज लाइक क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से ये शूट कर रहा है. कोई से लो एंगल ले लेगा फिर मैं गंदी लगूंगी फिर मैं मोटी लगूंगी. सारे स्टोरीज में बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू आई अप्रिशिएट अगेन आई डोंट हैव द टैलेंट टू कीप डूइंग दिस एंड आई एम लाइक ये तो कर रहा है तो मैं तुम कब कर रहा है मेरे को मालूम नहीं. वही तो जादू है. वही तो जादू है. गुड थिंग अबाउट समृद्धि इज दैट बहुत हार्ड वर्किंग है यार. इसके साथ मुझे क्या होता है ना कभी कभी आप जब किसी के साथ काम कर रहे हो और जब मुझे पता चला था कि जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में था यार कि माया कौन कर रहा है इतना बढ़िया रोल मेरे को क्यों नहीं यहाँ पे माया को हटा के कुछ वैभव. ऐसे ही लड़कियां फील करती आ रही है पीछे 40 साल से ऐसा उस वे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो लिखा इतना अच्छा लिखा हुआ था ना तो मुझे लगा यार ये होता है ना आपको लगता है देन आई मैटर. और ये वैसा था कि माया और समृद्धि में ज्यादा वो है नहीं तो हमारा उस पर ना काफ़ी वो रहता था सेट पे हमारी काफ़ी हमारी कभी दोस्ती नहीं हो पाई बट हमारा ऐसा था तेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो वैसे होता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो हम धीरे धीरे एक अलग ही फ्रेंडशिप हमारी बन गई जो फ्रेंडशिप भी नहीं बोलेंगे बट एक होता है ना जानना. बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू वेरी स्मॉल गेम सेगमेंट दिस इज कॉल्ड कंप्लीट द सेंटेंस. ओके सो कम्फर्ट फूड फॉर यू राजमा चावल फ्रेंच फ्राइज कढ़ी चावल. Okay. My mood immediately gets better when I have my coffee. When I'm sleep or nap. when I've finished a good run. Okay. That answer was actually expected. Yeah. The worst and best purchase I have ever made. Wow. Nice. You guys go, I'll quickly think about that one. Let's start with Samriddhi. My phone? Maybe. Okay. My worst purchase, there must be so many. मैं अपने earphones हर महीने खोती हूँ. तो I would say that is a heavy expenditure in my life. I think best मैंने bike खरीदी interceptor. I think okay. That is something I'm like really loving it to the core. And worst. इंटरसेप्टर ही अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा. आई थिंक बेस्ट वुड बी मैंने मेरी फर्स्ट एक्टिंग जॉब की पेमेंट से आई हैड बॉट दीज इयर रिंग्स फ्रॉम तनिष्क. दे आर स्मॉल लिटिल लाइक एवरीडे वेयर लिटिल बालीज बाहर से भी डायमंड्स अंदर से भी वो जो हुप टाइप छोटे से
And I have just worn them and I had bought them, gold was about 4,000 rupees then. 4,000, can you imagine? And they were like some 17,000. And Tanish being Tanish, so it actually would have been probably a little cheaper in gold weight, but because making and quality is so amazing. They remain my best purchase. Like, jab bhi main unhein pehenti hu, sab bolte hai, kitne everyday wear bhi hai, dressy bhi hai. Worst purchase are all the high heel shoes I buy because I just can only sit in them, I can't stand in them. Things I do to lift my mood. True answer to this is nap, but since I said it. Look at alpaca videos. That is true. Main Instagram pe bahut hi zyada alpaca aur llama videos dekhti hu. Alpaca spit. So do alpacas. Oh, I didn't know alpaca spit. That's their only defense mechanism. वो बहुत ही ऐसे क्यूट बकरी टाइप का एनिमल है और बकरी कैमल टाइप फेस हाँ कैमलॉयड फैमिली से है वो और वो एक्चुअली इंडिया में पाए भी नहीं जाते और मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखे हैं इंस्टाग्राम पे देखे सो इंस्टाग्राम पे देखे इनिशियली व्हेन वी फर्स्ट मेट वो अल्पाका वीडियोस मेरे को मतलब आई वाज लाइक हैव यू सीन दिस एनिमल एंड लाइक आई वाज like showing her alpaca videos and then you showed me some pony ones yeah so we shared exchange animal videos yes, that is a mood lifter sab kab ho raha tha main kaha tha immediately do like a quick HIIT workout push ups wow. something wow. I can do it right now it'll immediately wow. make me feel better I may have to very soon because I'm like dying now mine is music yeah yeah anytime last one if I get superpower I'll fly I want to be like superman woman I'll travel yeah माउंटेन लाइक हनुमान जी एंड यू नो ब्रिंग द माउंटेन आल्सो लाइक आई शुड बी गुड एट लाइक टाइम ट्रैवल एक्चुअली नो माय नेक्स्ट आई एम थिंकिंग ऑफ टाइम ट्रैवल गुड लक फॉर गुड बैड गर्ल द ट्रेलर इज वेरी फन एंड शो तो होना ही है सो वॉट डू यू हैव टू से शो आ रहा है देखिए और बहुत गुड बैड गर्ल इज कमिंग ऑन द 14th And yes. please watch it. It'll be आपने ऐसा शो नहीं देखा होगा पहले for sure 100% guarantee. Between Dasera and Diwali, when you have some time, binge watch this show. Exactly Dasera and Diwali के बीच में आता है. आपको enough time दे रहा है binge watch करके खत्म करने के लिए. So thank you so thank much you so for much. Talking to us. Thank you so much. 92.7